दुनिया में सभी लोगों के पास 24 घंटे ही होते हैं, पर फिर भी कुछ लोग उस समय में बिना किसी स्ट्रेस के बहुत सारे काम कर लेते हैं और बहुत से लोगों को ये समय कम पड़ जाता है, जो कि स्ट्रेस और फेलियर कंडीशन का सबसे बड़ा कारण है। आप चाहे स्टूडेंट हो, जॉब या बिजनेस में हो, या फिर हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, आपने आपको स्ट्रेस फ्री रखने और सक्सेसफुल होने के लिए सभी को टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अपने टाइम को आप कैसे मैनेज करें, इसके लिए कुछ आसान तरीके होते हैं जिसमें सबसे पहला तरीका है, एक दिन पहले प्लानिंग करें। ऑफिस खत्म होने के बाद या रात को सोने के पहले आपको अगले दिन क्या-क्या काम करने हैं, इसके लिए आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें अगले दिन के सभी इंपॉर्टेंट काम, मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स, स्टडी टारगेट या कोई भी जरूरी काम, उन सभी की लिस्टिंग कर लें ताकि आप उन कामों के लिए जरूरी तैयारी पहले से कर पाएं और बिना किसी कंफ्यूजन, स्ट्रेस या भागदौड़ के अपना काम पूरा कर पाएं। जब आप लिस्ट बनाते हैं तो उनमें बहुत सारे काम होते हैं, पर उन कामों की भी प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी होगी कि कौन सा काम आपको पहले करना है और कौन सा बाद में, वरना बहुत बार आप अपना टाइम ऐसे कामों में लगा देते हैं जो शायद आप बाद में भी कर सकते थे या जिन्हें अवॉइड किया जा सकता था, और उन कामों को करने के चक्कर में जरूरी काम रह जाते हैं। अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि कौन से काम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है। अर्जेंट वो काम होते हैं जिन कामों पर इमीडिएट अटेंशन की जरूरत होती है, जैसे किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन। इम्पॉर्टेंट काम वो हैं जो कि हमें हमारे किसी लॉन्ग टर्म मिशन या गोल तक पहुंचाने में मदद करते हैं, जैसे आपकी कोर्स बुक का चैप्टर जो हर दिन कंप्लीट किया जाना है और ये आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा। आप अपने कामों को चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला पार्ट है उन कामों का जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं, जैसे कि बिल, टैक्स, प्रोजेक्ट या एग्जाम की डेडलाइन या कोई इमरजेंसी सिचुएशन। इन कामों को आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर उनको इमिडिएटली कंप्लीट करना होगा। कुछ काम इम्पॉर्टेंट होते हैं पर वो अर्जेंट नहीं होते। अगर आप उन कामों की लिस्टिंग करके उन्हें प्रॉपरली प्लान कर लेते हैं तो आप उन कामों से होने वाले स्ट्रेस और लास्ट मिनट की भागदौड़ को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर डाइट, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इन सब के लिए टाइम निकालना, अपने किसी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए क्लासेस लेना, आपको जो काम करना है उसकी वीकली प्लानिंग, फैमिली टाइम, हॉलीडेज, इन सभी की प्रॉपर प्लानिंग हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। कुछ काम अर्जेंट होते हैं पर वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते। इस तरह के कामों में हमें इमीडिएट अटेंशन देना होता है, पर हमारे किसी भी लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में ये काम किसी भी तरह से मददगार नहीं होते हैं। जैसे फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, फ्रेंड्स या कोवर्कर्स जो कि आपके पढ़ने या काम के बीच में आकर आपसे कोई फेवर चाहें। दूसरों की मदद करना, उनकी बात सुनना, ये अच्छी आदत है, पर अगर आप इन सब के बीच में अपने अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कामों को नहीं कर पाए तो एट लास्ट आपको ये रियलाइज होगा कि हर दिन आप बहुत बिजी हैं पर उसका कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं निकल रहा है। आपके रोजमर्रा के कामों में कुछ काम ऐसे हैं जो न तो इम्पॉर्टेंट हैं और न ही अर्जेंट हैं। अगर आप इन कामों को कुछ समय के लिए करते हैं तो इसमें कोई हार्म नहीं है, पर अगर आप अपने इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट कामों को अवॉइड कर इन कामों को प्रायोरिटी देने लगते हैं तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। जैसे टीवी देखना, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर घंटों तक बैठे रहना, बिना किसी कारण घंटों वेब सर्फिंग करना, ये ऐसे काम हैं जो न तो अर्जेंट हैं और न ही आपके किसी भी गोल को अचीव करने में आपके लिए मददगार हो सकते हैं। ये एक्टिविटीज आपके लिए सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं और इन कामों को आप अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं या फिर इनके लिए टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। कि जो भी अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम है उनको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर उनके लिए टाइम लिमिट सेट करें ताकि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके कंसंट्रेट होकर काम कर पाए।
जैसे आपके किसी बड़े प्रोजेक्ट या पूरे कोर्स को मंथली, वीकली और डेली कामों में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि हर दिन आपको कितना काम कंप्लीट करना है, ताकि आप उन कामों को कंप्लीट करते हुए अपने गोल को अचीव कर पाए, वो भी टाइम लिमिट में।